बांका जिला के अमरपुर थाना में पदस्थापित सहायक वन निरीक्षक विजय कुमार तिवारी की शनिवार शाम को मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार वह पिछले एक सप्ताह से सर्दी खांसी और बुखार से ग्रसित थे थाना परिसर में ही बने अपने सरकारी आवास में तिवारी जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे उन्हें कोई संतान नहीं थी विगत एक सप्ताह से उनकी बीमारी का इलाज प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा था शनिवार को अचानक तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद रेफरल अस्पताल को सूचना दी गई जहां से एम्बुलेंस से इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया वहीं चेकअप के बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया वहीं मौत की सूचना मिलते ही तरह तरह की चर्चाओं से बाजार गर्म हो गया जिसके कारण पूरे शहर में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया दहशत इस कदर थी कि शहर के सड़कों पर सन्नाटा पसर गया एसआई विजय कुमार तिवारी मूल रूप से यूपी के देवरिया जिला के पिपराबेन गांव के निवासी थे वे फुल्ली डुमर थाना में काफी दिनों तक थे धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण फुल्ली डुमर थाना में बजरंग मंदिर का निर्माण भी कराया था अमरपुर थाना परिसर में बजरंग मंदिर का जीर्णोद्वार के लिए तैयारी कर रहे थे लेकिन कोरोना महामारी के कारण मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो पाया वो एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के नाम से भी जाने जाते थे लॉकडाउन में भी लोगों के बीच उनके नाम का दहशत था जिसके कारण नियम तोड़ने से आम लोग भय खाते थे वही रेफरल प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने बताया की शुक्रवार को ही विजय कुमार तिवारी का रेफरल अस्पताल में रैपिड जांच कराया गया था जिसमें रिपोर्ट निगेटिव आया था दरोगा के मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा इसके अलावा रजौन के थाना निरस्तीवारी की रिपोर्ट भी आज पॉजिटिव पाई गई है बांका जिला के अमरपुर शहर के वार्ड नंबर छः एवं तेरह में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में रह रहे आम लोगों का रेफरल अस्पताल के कर्मियों के द्वारा डोर टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग किया गया बताते चले विगत दस दिनों के अंदर वार्ड नंबर छह में एक ही परिवार के सगे तीन भाइयों की मौत हो गई थी तो दूसरी तरफ लीची बगान स्थित दवा व्यवसायी की मौत होने से शहरवासी पूरी तरह से दहशत में आ गए थे सामाजिक कार्यकर्ता राजेश शाह के अथक प्रयासों के बाद स्वास्थ्य विभाग मामले को गंभीरता से लिया एवं मृतक के परिजन समेत अन्य शहरी का अस्पताल परिसर में कोरोना जांच किया गया हालांकि प्रथम दिन अठासी लोगों की जांच की गई जिसमें एक पॉजिटिव मरीज निकल गया पॉजिटिव मरीज को बांका के आइसोलेशन वार्ड में

कई सड़कें बेहतर भी बनाई गई है अभी तक कई सड़कें ऐसी है जिसकी हालत काफी खराब है उसी में राजौन प्रखंड अंतर्गत तिलकपुर पंचायत का खिरजान गांव है जहां की सड़कों की हालत काफी बदतर है जहां ग्रामीण नरकिया जिंदगी जीने को मजबूर हैं फिर भी कोई सुधी लेने वाला नहीं है ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में रोड नाला पानी तथा स्कूल में घेरा भी नहीं है बरसात के मौसम में तो घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है यहाँ तक कि बरसात का पानी घर में भी प्रवेश कर जल जमाव की स्थिति पैदा कर देती है मुख्य सड़क मार्ग पर जाने के लिए लोग हाथ में चप्पल लेकर खाली पैर जाते हैं नहीं तो चप्पल कीचड़ में ही फंस जाता है उस पर वाहनों की कौन कहें पैदल भी राह चलना मुश्किल है सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को होती है गड्ढे में पानी व कीचड़ रहने से लोग हमेशा गिरते रहते हैं इससे इस, इस गांव के लोगों में जनप्रतिनिधियों व पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा है सड़क निर्माण के लिए गांव के कई लोग कई बार मांग कर चुके हैं लेकिन मांग की अनदेखी की जा रही है अब विधानसभा चुनाव के क्रम में इस गाँव के लोगों से वोट मांगने जाने वाले प्रत्याशियों के भी पसीने छूट जाएंगे वो जनता को क्या जवाब देंगे उन्हें नहीं मालूम चलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में जनता अपने जनप्रतिनिधियों से इस सड़क का हिसाब लेने की तैयारी कर रही है इस संदर्भ में खिरजान के इंद्रदेव कुमार कुमार विकास रजक अरविंद लालू यादव सोनी देवी देवी सरिता देवी ने कहा की दस वर्षो से इस गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है हम लोग नारकीय जिंदगी जी रहे हैं सिर्फ चुनाव के टाइम में स्थानीय जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आते हैं जीतने के बाद सड़क देखने भी नहीं आते हैं इस बार सड़क नहीं बनी तो हम लोग वोट का बहिष्कार करने का निर्णय ले चुके हैं यहाँ के विधायक जी कौन है बोलिए विधायक मनीष कुमार जी है उनको हम लोग खोजने जाते हैं उनका पीए बताते हैं यहाँ है यहाँ वहाँ है उससे मिल ही नहीं पाते हैं हम लोग ना वो कभी आते हैं ना मुखिया जी काम करवाते हैं कि मेरे गांव में कभी वो तो देखने ही ना नहीं आते क्योंकि यहाँ उनका वोट बैलेंस बहुत कम है मुखिया जी का इसीलिए वो काम करवाने में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं और बाकी बात विधायक जी को हम लोग खोजने जाते हैं तो वो तो मिलते ही नहीं है और नहीं वो लोग कभी क्या कर रहे हैं हम लोग लगता है जानवर है नाला ना है ना रोड है पानी का भी सुविधा हम लोग का नहीं है गर्मी में ऐसा हालत हो गया कि बोरिंग लगा लगा के हम लोग पानी किसी तरह पी पी के जिए हम लोग लॉकडाउन में चोरों के द्वारा सुप्रसिद्ध बाबा ज्योर मंदिर परिसर में स्थित ठाकुर बाड़ी की गेट तोड़कर पचास रुपये की चोरी करते हुए परिसर में स्थित चाय पान की गुमटी का ताला तोड़कर 2000 दो हजार नगद एवं दो हजार रुपये मूल्य की पुड़िया सिक्रेट एवं अन्य सामानों की चोरी कर चोर फरार हो गए मामले को लेकर पीड़ित गुमटी के दुकानदार अमित सिंह तोमर ने बताया कि रोजाना की भांति शुक्रवार की रात्रि गुमटी बंद कर अपने घर मंझगे गया था शनिवार की सुबह जब गुमटी खोलने आया तो गुमटी का ताला टूटा हुआ पाया जब गुमटी में रखे बक्से को खोला उसमें दो हजार गायब थी एवं लगभग दो हजार का सामान भी गायब हो चुका था मंदिर के पुजारी रमन बाबा ने बताया कि सुबह जब पूजा करने ठाकुरबाड़ी गया तो दरवाजे में लगा कुंडी टूटा हुआ पाया मंदिर दान पेटी में रखा पचास रुपया गायब हो चुका था मामले की सूचना अमरपुर थाने में दे दी गई है बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र गौरी के गौरीपुर गांव के समीप लुटेरों के द्वारा एक बाइक चालक ऐसी बारह हजार लेने का मामला सामने आया है। मामले को के हसनपुर गांव निवासी अंजन चौधरी ने बताया कि शुक्रवार की संध्या में अपनी बाइक से गौरीपुर होते हुए मकदुम्मा अपने ससुराल जा रहा था गौरीपुर गाँव के समीप चार लोगों ने जबरन रास्ता रोक लिया एवं मारपीट करते हुए बाइक की डिक्की में रखे बारह हजार नगद छीन लिए इसी दरमियान लुटेरों के साथी ने कहा की बनवारी विकास अब इनको

तब मुझे पता चला कि लूटपाट की घटना में गौरीपुर गांव के बनवारी कुमार एवं विकास कुमार शामिल थे इन्होंने बताया कि इनकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी जिसके लिए अपने गांव में पैसे का इंतजाम कर मकदुम्मा गांव स्थित अपने ससुराल जा रहे थे बनवारी एवं विकास कुमार का पता लगाने के लिए पीड़ित गौरीपुर गाँव गया तो पता चला कि दोनों युवक जेठोर बालू घाट पर मजदूरी का कार्य करता था जब पीड़ित बालू घाट पहुँचकर बनवारी कुमार से लूटे हुए पैसे की मांग करने लगा तो बनवारी कुमार गाली गलौज करते हुए भगा दिया मामले की जानकारी प्रीत ने फोन के दौरान मरपूर थानाध्यक्ष को देते हुए न्याय की गुहार लगाई है